पूरे देश में फैले कोरोना वायरस के बीच गुजरात सरकार ने एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि बिना मास्क पहनने वालों पर जुर्माना वसूला जाएगा और ये जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के बावजूद देश में अनलॉक वन की घोषणा की गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके साथ ही कई तरह के निर्देश भी जारी किए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। वहीं गुजरात सरकार ने भी एक पत्र जारी किया है जिसमें कोरोना वायरस महामारी के बीच मास्क नहीं पहनने पर लोगों पर जुर्माना वसूला जाएगा, जिसकी वजह से आज विजयनगर पुलिस प्रशासन सब इंस्पेक्टर मेहुल कोटवाल और उनकी टीम बाजार में निकली और विजयनगर तहसील के बाजार में मास्क नहीं पहनने के चलते लोगों को 200 जुर्माना लगा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज चैनल। देश भर में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता जा रहा है, तब गुजरात के अंदर बात करें, गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया है कि मास्क पहनना आवश्यक है। दो दिन पहले ये भी जाहिर किया है कि मास्क बिना मास्क वाले को जुर्माना भरना पड़ेगा। बात करें विजयनगर तहसील के अंदर, आज हम विजयनगर तहसील के अंदर वो तस्वीर दिखाएंगे जहां लोगों बिना मास्क विदे कई लोग गुजरते हैं। शायद उनको पुलिस प्रशासन का डर नहीं है या कोरोना वायरस का डर नहीं है, कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता। अभी पुलिस भी फ्लैक्स मार्च करने के लिए निकल पड़ी है।